तीन तलाक विधेयक राज्यसभा से भी पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून। लगातार बारिश की वजह से बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात, नदियां खतरे के निशान से ऊपर। आईडी धमाके में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद, दंतेवाड़ा के पुष्पाल कैंप के पास हुआ हादसा। और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अधिकारियों ने मुनगे को बनाया हथियार, कोरिया जिले में बच्चों को गर्म भोजन में मिलेगी मुनगे की भाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। तीन तलाक यानी तलाक ए बिद्दत को अपराध मानने वाला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक को राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में इस बिल को पेश किया। बिल के समर्थन में 99 और विरोध में 84 मत पड़े। लोकसभा में ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाएगा। इस बिल में तीन तलाक के जरिए शादी तोड़ने को अपराध माना गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकेगी। एक बार केस दर्ज हो जाने के बाद समझौता पीड़िता की पहल पर ही संभव होगा। पीड़ित महिला का पक्ष सुने बिना मजिस्ट्रेट आरोपी को जमानत नहीं दे सकेगा। पत्नी और बच्चों के भरण पोषण का भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेगा और इसे पति से वसूला जाएगा। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये महिलाओं की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है, इसे राजनीति की नजर से नहीं देखना चाहिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर चल रही है, ये विधेयक भी उसी का हिस्सा है। पूरे देश भर से मोदी जी को बधाई आ रही है क्योंकि समाज की एक कुरीति दूर कर रहे हैं और विपक्ष की जो नकार राजनीति थी वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर बहुत चल रही है, यही आज का मतलब है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने तीन तलाक विधेयक को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी बताया। राज्य सरकार जल्द ही यातायात नियंत्रण और वाहनों की जांच के तरीके को बदलने जा रही है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस की जांच के नए नियम बनाए गए हैं। अब चौक चौराहों पर वाहनों की जांच डीएसपी स्तर के अफसर ही कर सकेंगे। गलती पाए जाने पर सिर्फ चालान की रसीद काटी जाएगी, नगद राशि वसूल नहीं होगी। चालान राशि की वसूली की अलग से व्यवस्था बनेगी। गृह मंत्री ने कहा कि ये व्यवस्था सड़कों पर अवैध वसूली को रोकने के लिए किया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नई व्यवस्था को लागू करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि इससे पुलिस की छवि भी सुधरेगी। दंतेवाड़ा के बोदली में माओवादियों द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान रोशन कुमार बिहार के नवादा जिले के रहने वाले थे। ये घटना उस समय हुई जब सीआरपीएफ जवानों की एक टुकड़ी बोदली के जंगलों से गश्त कर वापस लौट रही थी। पुष्पाल कैंप से करीब 700 मीटर पहले सीआरपीएफ जवान का पैर पत्थरों के नीचे छिपाई गई आईईडी पर पड़ गया। इसकी वजह से हुए धमाके में जवान रोशन कुमार शहीद हो गए। शहीद जवान का शव जिला मुख्यालय पर श्रद्धांजलि के बाद उनके घर रवाना किया जाएगा। कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार ने सुराजी सुपोषित योजना शुरू की है। बच्चों को सुपोषित बनाने की इस योजना में कोरिया जिले के अधिकारियों ने एक नया आयाम जोड़ दिया है। कोरिया के महिला एवं बाल विकास अधिकारी चंद्रवेश सिसोदिया की पहल पर आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्राम पंचायतों में मुनगा के पौधे रोपे जा रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की कोशिश है कि आंगनबाड़ी में गर्म भोजन में मुनगा के पत्तियों का उपयोग किसी न किसी रूप में हो।
जिले में लगभग 17,000 मुनगा पेड़ लगाए गए और अभी पिछले विगत 3 महीने में पुनः हमारी टीम के द्वारा 20,000 से अधिक मुनगा के पेड़ रोपित किए गए हैं। और इसमें हमने एक देसी तकनीक का उपयोग किया है, हमने मुनगा के पौधे लगाने के स्थान पर मुनगा की पुरानी टहनियों को जमीन में गाड़ के कलम के स्वरूप में हमने इसको तैयार किया और हमने ये पाया कि उसमें 10 दिन के बाद में उसमें पत्तियां आना शुरू हो गई। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रयास सफल रहा और आज अब आंगनबाड़ी केंद्रों में मुनगा की भाजी उपलब्धता के आधार पर बच्चों को नियमित रूप से उनके थाली में उपलब्धता कराई जा रही है। भोजन में मुनगे की पर्याप्त उपलब्धता के लिए कोरिया के मुरमा गांव में एक बड़ा मुनगा प्लांटेशन क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। वहीं बाड़ी में सर्वाधिक मुनगा लगाने वाले को पुरस्कृत करने की भी योजना चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि कोरिया जिले में 12,829 कुपोषित बच्चे चिन्हित किए गए हैं, उनमें से 3,243 गंभीर रूप से कुपोषित हैं। अधिकारियों का कहना है कि कुपोषण को दूर करने में मुनगा सहायक है। 100 ग्राम मुनगा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और विटामिन सी तथा डी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। कोरिया के कलेक्टर डोमन सिंह सोनवानी ने बताया कि सुराजी सुपोषण अभियान के तहत कुपोषण में 2% और एनीमिया में 3% की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। कुपोषण को हर स्थिति में समाप्त करना है, इसी निर्देश के तारतम्य में हम लोगों ने कोरिया जिला में ज़्यादा से ज़्यादा मुनगा के डंडल बांटने, ज़्यादा से ज़्यादा मुनगा के पौधारोपण करने, ज़्यादा से ज़्यादा मुनगा के बीज लगाने और सभी आंगनबाड़ी में, सभी स्कूलों में लगाने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया हुआ है और काफ़ी बड़ी संख्या में पौधारोपण कर दिए गए हैं और लगातार किए जा रहे हैं। इसमें बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है और कुपोषण से लड़ने के लिए भी इसमें काफ़ी पौष्टिकता रहती है, जो कि बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और कुछ अच्छे स्टोरीज भी सामने आए हैं। भोजन में मुनगे का लगातार इस्तेमाल कर कुपोषण दूर करने की योजना अगर सफल हुई तो ये देश भर को रास्ता दिखा सकती है। कोरबा में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही एक नया आकर्षण जोड़ा जाएगा। पर्यटन विभाग ने बांगो बांध के जलाशय में एक बड़ा स्टीमर चलाने की तैयारी शुरू की है। गुजरात से 100 यात्रियों की क्षमता वाला स्टीमर मंगा लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि कोरबा के औद्योगिक क्षेत्र स्थित वर्कशॉप में स्टीमर की आंतरिक साज सज्जा का काम हो रहा है। इस स्टीमर को बूका और सतरेंगा के बीच चलाया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ की स्थिति में ये स्टीमर प्रभावित लोगों को बाहर निकालने में भी सहायक साबित होगा। पर्यटन विभाग के अधिकारियों को उम्मीद है कि जलाशय में बड़े स्टीमर के उतरने से क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। आज विख्यात रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की 139वीं जयंती है। प्रदेश के अनेक स्थानों पर हिंदी और उर्दू साहित्य में उनके योगदान का स्मरण करते हुए अनेक आयोजन हो रहे हैं। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर भिलाई में प्रेमचंद स्मृति व्याख्यान का आयोजन हुआ। आयोजन में पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. केसरीलाल वर्मा मुख्य अतिथि थे। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के प्रोफेसर डॉ. शैलेन्द्र कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में प्रेमचंद पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं के तमाम पक्षों पर बात की। कथा सम्राट प्रेमचंद जी के बिना भारतीय कथा साहित्य की वो तस्वीर नहीं बन सकती थी जो आज हमें दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि विश्व स्तर के श्रेष्ठतम सार्वकालिक उपन्यासकार या कहानीकारों के मध्य यदि 10 हम लोग रचनाकार लेना चाहें तो प्रेमचंद जी का नाम उसमें निश्चित तौर पर समाहित होगा। भारतीय समाज की विसंगतियों, भारतीय समाज की शक्तियों दोनों से परिचित कराने का काम प्रेमचंद का कथा साहित्य करता है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद ने जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय लोकतंत्र में प्रतिबिंबित हो रहा है और भारतीय जो संविधान है उसकी आत्मा में प्रेमचंद समाये हुए हैं। आज हम जो व्यापक फलक पर समानता की बात कर रहे हैं, बंधुत्व की बात कर रहे हैं, भाईचारे की बात कर रहे हैं या तमाम संदर्भों में हाशिए के लोगों को ऊपर उठाने की हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये जो सपना है ये प्रेमचंद के द्वारा देखा गया सपना है। कार्यक्रम में शिक्षा, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाली विभूतियों को प्रेमचंद स्मृति सम्मान से सम्मानित भी किया गया।
शिवनाथ नदी के पानी को एक निजी कंपनी को देने का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। सरकार ने जिन शर्तों पर कंपनी के साथ अनुबंध किया है उनके मुताबिक सूखे की स्थिति में भी कंपनी को पानी देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी सरकार से 56 करोड़ रुपए वसूलने की हकदार होगी। भिलाई के विधायक और महापौर देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अनुबंध को रद्द करने और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। जी, शिवनाथ नदी हम लोगों का और दुर्ग जिले में रहने वालों का उसके ऊपर अधिकार है, लेकिन इस तरीके का अनुबंध कर फंसाने का प्रयास किया गया शासन को, अधिकारियों द्वारा कूट रचना की गई और एक निजी संस्था को लाभ पहुंचाने का काम किया जो इतने सालों से लाभ ले रही है और अभी भी वो शासन के ऊपर दबाव बना रही है कि उस शासन को उसको भुगतान करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी विसंगतियां हैं और सभी विसंगतियों के ऊपर एक सार्थक चर्चा और एक सार्थक निर्णय भी माननीय लोक लेखा समिति द्वारा किया गया जो अभी तक उसी तरह यथावत है और जिसपे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस इस मामले को जोर शोर से उठाती रही है। विधानसभा में भी इस मसले पर काफी तीखी बहस हो चुकी है। पिछले एक सप्ताह से हो रही बरसात ने बस्तर के बड़े हिस्से को बाढ़ के हालात में पहुंचा दिया है। इंद्रावती और शबरी नदी खतरे का निशान पार कर चुकी हैं। वहीं कई गांव टापू बन चुके हैं। सुकमा से ओडिशा जाने का मार्ग भी बाधित है। कांकेर में कोयलीबेड़ा क्षेत्र की मेड़की नदी और दुर्गु कोंदल पखांजुर क्षेत्र में कोटरी नदी में बाढ़ आने से आसपास के 60 से अधिक गांव पानी से घिर गए हैं। इन गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इधर जगदलपुर के गणपति रिसोर्ट में फंसे सभी 49 कर्मचारियों को प्रशासन ने सकुशल बाहर निकाल लिया है। मंगलवार को SDRF और नगर सेना ने बाढ़ में फंसे कर्मचारियों को बाहर निकालने के लिए अभियान शुरू किया था। बकावंड विकासखंड के बेलगांव स्थित पंप हाउस में फंसे 6 लोगों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। नारायणपुर जिले के उड़ंदा बेड़ा में ग्रामीण बारदा नदी की धारा में बह गया, पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बीजापुर में प्रशासन ने नाविकों को तिमेड़ घाट से इंद्रावती नदी को पार करने पर रोक लगा दी है। लोग निर्माणाधीन पुल से नदी पार कर रहे हैं, इससे बड़ी दुर्घटना का खतरा भी पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री निवास में आज जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री रविन्द्र चौबे, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और रायपुर महापौर प्रमोद दुबे ने लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनी। मुख्यमंत्री निवास में ये कार्यक्रम सप्ताह के हर बुधवार को आयोजित होता है। जन चौपाल में पहुंचे रायपुर के हांडीपारा निवासी सुरेश सोनकर को मुख्यमंत्री ने स्वेच्छानुदान से 10,000 रूपये की सहायता मंजूर की। रायगढ़ की नंदिनी निषाद ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्वरोजगार योजना के तहत 1,00,000 रूपये की सहायता स्वीकृत कराने का निर्देश दिया। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने अभनपुर के खिलौरा गांव में निर्मित स्टॉप डैम की मरम्मत कराने का भी निर्देश दिया है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड नवीनीकरण प्रक्रिया की अंतिम तिथि 5 अगस्त तक बढ़ा दी है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत ने राशन कार्ड नवीनीकरण की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि अभी तक 85% आवेदन ही जमा हो पाए हैं। बीजापुर जिले में सबसे कम आवेदन आए हैं। स्थिति की जानकारी मिलने के बाद खाद्य मंत्री ने राशन कार्ड नवीनीकरण का काम 1 सप्ताह और जारी रखने का निर्देश दिया। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राशन कार्ड नवीनीकरण शिविरों में बुजुर्गों के लिए बैठक, पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 3 तलाक विधेयक राज्यसभा से भी पारित, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बन जाएगा कानून। लगातार बारिश की वजह से बस्तर संभाग में बाढ़ के हालात, नदियां खतरे के निशान से ऊपर। IED धमाके में CRPF का एक जवान शहीद, दंतेवाड़ा के पुष्पाल कैंप के पास हुआ हादसा। और कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में अधिकारियों ने मुनगे को बनाया हथियार, कोरिया जिले में बच्चों को गर्म भोजन में मिलेगी मुनगे की भाजी।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।